सागर जिले के गौर झामर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 पेटी अवैध शराब ले जाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रैली रोड के पास नीले रंग के आपे से अवैध शराब ले जा रहे इन 3 आरोपियों को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया है। देवरी गौर झामर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रैली रोड पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने घेराबंदी कर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार के नेतृत्व में इन आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के नाम मनोज पिता धनीराम वासुदेव उम्र 23 वर्ष निवासी बरमान जिला नरसिंहपुर, कार्तिक पिता रंजीत सिंह घोसी निवासी कैंट थाना सागर, गजेंद्र पिता मुन्ना वासुदेव निवासी छोटी करीला सागर बताए गए हैं। इन सभी से 24 पेटी शराब पकड़ी गई है जिसकी कीमत 1,20,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि रैली रोड से एक नीले कलर के आपे में अवैध शराब आ रही है। इस संबंध में जब सूचना प्राप्त हुई तस्दीक के लिए स्टाफ पहुँचा वहाँ पे तो रैली रोड पे खेरगुड़ी माता मंदिर के पास एक आपे आता दिखा, उसे घेराबंदी कर पकड़ा। तो उसमें से 24 पेटी देसी लाल मदर मिली जिसे जब्त किया गया और 3 आरोपियों को कस्टडी। सर क्या मामला बना? 34-2 का मामला, 34-2 आबकारी है। सर ये पता लगा कहाँ से आ रही थी, कुछ बताया? अब ये विवेचना का विषय है, अभी तो चल रही है विवेचना, उसके बाद पता। कीमत क्या है सर? कीमत करीबन 50,000 करीब। और तो गाड़ी की कीमत 2,00,000।